दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं हैदराबाद जाने वाला हूं और आज मेरी ट्रेन है, तो अभी मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हूं। यहां से अभी नीचे जा रहा हूं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़ने। तो ये राजीव चौक का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। पहले मेरे घर से रमेश नगर से यहाँ तक आया। अब ये जो ट्रेन आप देख रहे हो सामने फुल्ली लोडेड ऐसी ट्रेन है। मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है जो कि है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये अपन पहुंच गए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और अभी ऊपर बाहर निकलेंगे अपन। और बाहर निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ रेलवे स्टेशन है। 4 बजे की ट्रेन है मेरी हैदराबाद की। दोस्तों बाहर निकल रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। बढ़िया है रेलवे स्टेशन, 81 गेट नंबर 1 और 2 उस तरफ सामने की तरफ है। बढ़िया यहाँ पे अपनी शॉप्स बनी हुई हैं, खाने पीने की, स्नैक की, हर तरीके की शॉप है। इस वाले मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी लोग हैं जो ट्रेन लेनी होती है मोस्टली मेट्रो को प्रेफर करते हैं, तो ये सारे रेलवे स्टेशन के ही लोग जा रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। ये देखो यहाँ पे कितना मस्त ये फ्लाईवे बना दिया पूरा। इस तरफ एयरपोर्ट लाइन पे जाने के लिए, इधर रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री है, अंदर नहीं है मतलब बाहर एंट्री है। तो जिनको सीधा ट्रेन से उतरते ही एयरपोर्ट जाना है वो वहाँ से सीधा मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं एयरपोर्ट लाइन वाले पे। तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो मैंने ये फ्लाईवे आज फर्स्ट टाइम देखा है। और ये सामने अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो ये है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सामने से उस स्टेशन के जस्ट बाहर ही अपना तिरंगा झंडा देश की शान लहरा रही है। मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम फुहार हो रही है हल्की हल्की बारिश की, हवा चल रही है मस्त। ये अपन स्टेशन के एकदम एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए। चलो अंदर चेकिंग वगैरह करके फिर प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बताया है कुली ने कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाएगी। तो जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें तो गाड़ी नंबर अभी आ नहीं रहा था। अभी 1 घंटा है पूरा गाड़ी स्टार्ट होने में, तो हो सकता अभी रुक के आए। बट पुलिस वगैरह को पता ही होता है कि कौन से नंबर पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी आएगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना अपने को। और दिक्कत ये है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ से चढ़ा हूँ मैं। देखो कितना जाना है, ये सामने टक्कर पे, फिर उस साइड, फिर उस तरफ लास्ट में पड़ेगा। तो अराउंड 800-900 मीटर अपने को चलना पड़ेगा। पर यह है कि खुला रास्ता बन गया यहाँ पे, बहुत साफ़ सुथरा हो गया है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भीड़ भड़का होने के बावजूद भी यहाँ लगता नहीं है भीड़ भड़का है। दिसंबर में गोवा गया था तब भी उस साइड से और इस तरफ जाना पड़ा था मेरे को। और उस समय मम्मी पापा साथ थे, पापा मेरे जीवित थे उस समय। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं गोवा के जो मेरे ब्लॉग हैं वो डालूँगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ टाइप कर दीजिए, करिए। उससे 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो प्रोत्साहन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो आपके कमेंट आते हैं तो लगता है कि भी हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरा आइडिया मिलता रहता है कि आप किस, आइडिया मिलता रहता है आप किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं। ये देखिए ये भी लाइफ है। लोकेशन में पहुंच गए हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा S4। तो ये फ्लाईओवर है, यहाँ ऊपर से मेन रोड निकलता है, तो इस फ्लाईओवर के नीचे S4 लगेगा डब्बा। तो वेट करते हैं, 12724 नंबर तेलंगाना एक्सप्रेस है, दिल्ली से हैदराबाद जाएगी। आगे जाएगी या नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, आई थिंक तेलंगाना एक्सप्रेस है तो हैदराबाद ही लास्ट स्टेशन होगा। तो अपना चाय का कप रेडी है, अभी 1.25 घंटा है ट्रेन आने और चलने में। तो लंच मैंने करा नहीं था सुबह, नाश्ता मम्मी ने यह भी करवाया था, लेट करवाया था। तो लंच और डिनर एक साथ होगा शाम को। तो अभी चाय पी लेते हैं जब तक ट्रेन ही आती। तो ट्रेन के अंदर ना उतनी बढ़िया चाय मिलती भी नहीं है, स्टेशन पे फिर भी अच्छी मिल जाती है चाय। तो मिलती एक दो कप चाय पी के चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पर और
मैं बैठ गया तो साइड पे, लग रहा था अभी टाइम लगेगा ट्रेन आने में, काफ़ी सारे लोग सब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। तो इस साइड पे ये थोड़ा पीछे की तरफ था प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे उतनी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बट स्पेस नीचे बैठने का बहुत खाली है। तो अब रुक ही जाएगा S4 डब्बा यहाँ पे, तो 39 नंबर में सीट है, जल्दी क्या है, अभी तो 3:30 बजे है, तब तक तो एक चाय और पी लेंगे। देखिए डब्बा एकदम अपने लोकेशन पे रुका है, S4 का यहाँ पे लोकेशन थी और यहीं पे S4 आके रुका है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो अभी देखो एकदम साफ़ सुथरी ट्रेन है और कोच भी नया है। एंट्री जब करते हैं अपने सीट पे पहुँचते हैं, थोड़ा रास्ता भरा हुआ है, वेट करना पड़ेगा, तो साफ़ सुथरी है ट्रेन। तो दोस्तों सीट पे तो मैं पहुंच गया था, बट अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ना एक लेडीज़ है, मतलब एक फैमिली है, उनमें एक प्रेगनेंट लेडी है, तो वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी उनको बैठने दें वहाँ पे। तो हालांकि RAC में है तो कोई और भी वहाँ पे आके फिर वो बोलेंगे बैठने के लिए, बट मेरी तरफ से मैंने तो अभी अलाउ कर दिया है। तो अभी स्टेशन पर ही है और वेट कर रहे हैं ट्रेन चलने की, कल शाम को 5 बजे पहुँचाएगी अगर ये राइट टाइम चलती है तो। तो ट्रेन चल चुकी है स्टेशन पे और अब देखते हैं किस टाइम पहुँचाती है। दोस्तों अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और भोपाल आने वाला है, और अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ और कल मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। The next morning. चल रहा है जर्नी का दूसरा दिन और सुबह के 10 बज रहे हैं 10:15 हो गए हैं। तो मैं अभी पहुंचा हूं चंद्रपुर, ये नागपुर से अराउंड 2-3 घंटे बाद आया ये स्टेशन, और आई थिंक यहां पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहां पे जगह जगह पूरे स्टेशन को उसी तरीके से सजाया गया है। तो आई थिंक इधर कोई नेशनल पार्क होगा इस वजह से इस तरीके से इसको सजाया गया है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस रूट का, फ़र्स्ट टाइम मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, नागपुर के आगे वाला एरिया, मैं नागपुर से आगे जो रायपुर की तरफ तो गया हूँ, बट इस साइड फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो शाम को 5 बजे आज मैं पहुँचूँगा हैदराबाद, और ट्रेन का सफ़र ना वो इसलिए बोरिंग लगता है ट्रेन का सफ़र, बिकॉज ट्रेन में ना रुक के कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको बस चलते ही जाना है और हर स्टेशन लगभग एक ऐसे ही होते हैं, तो इसमें क्या ही दिखाएं आपको। दोस्तों जो ग्रीनरी मानसून के सीज़न में होनी चाहिए वो अब इंडिया में सितंबर में नज़र आने लगी है, तो मौसम चेंज होने का टाइम आता है। तो मुझे लगा था दिल्ली में भी मौसम बरसात हो रही है, बट ऑल ओवर इंडिया ही है देख रहा हूँ मैं। तो ग्रीनरी बहुत सुंदर है, देखो बाहर इतना सुंदर ग्रीनरी है सारी तरफ, पानी भरा हुआ सब जगह। सिकंदराबाद स्टेशन जो कि हैदराबाद में ही है, और इसके बाद लास्ट स्टेशन हैदराबाद है इस ट्रेन का, तेलंगाना एक्सप्रेस का। बट मैंने ट्रेन में जैसे पता किया था यहाँ के लोकल जो यात्री थे, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा जो लोकेशन है उसमें सिकंदराबाद मेंशन था एक्चुअली, जो मुझे जहाँ पे जाना है डर्ट बाइकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद से ज़्यादा बेटर रहेगा उतर के जाना, और ईजिली कनेक्टिविटी है शहर में। तो देखते हैं अभी यहाँ का, मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ सिकंदराबाद स्टेशन का। तो
तो भीड़ भड़क का यहाँ पे बिल्कुल दिल्ली जैसा ही है, बट सफाई थोड़ी अच्छी लगी वहाँ के मुकाबले। सामने ये एलिवेटर्स लगे हुए हैं बाहर निकलने के लिए, तो अभी बाहर निकल के देखते हैं अपने को किस साइड से ऑटो या कुछ भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट दिल्ली के ही किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन जैसे ही है, चाहे उसको हज़रत निज़ामुद्दीन ले लो, न्यू दिल्ली ले लो या पुरानी दिल्ली ले लो, सेम वैसा ही क्राउड है, उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है, दिल्ली जैसी भीड़ है। यहाँ भी नंबर वन है जो स्टेशन की एंट्री पर, और कुछ ऐसे बढ़िया से यहाँ पे फूड कोर्ट बने हुए हैं सारे मेजर ब्रांड्स के। बाहर निकल रहा हूँ अब मैं, ये मेन एग्जिट आ गया इसका। ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे चित्रकारी करी हुई है स्टेशन पे। ये अपना हो गया एग्जिट, जैसे दिल्ली में अपने स्टेशन के बाहर तिरंगा लहरा रहा था सेम उसी स्टाइल में यहाँ पे भी है। तो फ्रंट से एक बार दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप का है सिकंदराबाद हैदराबाद का ये स्टेशन, काफ़ी लंबा चौड़ा सेम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह ही बना हुआ है। और इधर भी मेट्रो की कनेक्टिविटी नज़र आ रही है बाहर। देखता हूँ पहले जो लोकेशन है जहाँ पे मुझे जाना है एड्रेस में, तो वो 20 किलोमीटर दिखा रहे स्टेशन से, तो वहाँ का ऑटो करता हूँ या देखता हूँ क्या कनेक्टिविटी है, और फिर उधर कोई रहने की जगह का जुगाड़ करके। सड़क का तो बहुत है यहाँ पे, बट मैंने जैसे अभी सर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो यहाँ से मेरे को 20-25 किलोमीटर दूर जाना है, और ऑटो और रिक्शा वगैरह तो महंगे ही हैं। बट अपने को एक बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ पे बसें चलती हैं GTC की तरह, दिल्ली की जैसे GTC बसें हैं, तो बस स्टैंड पास में ही है, वो अपने को 30-40 रुपये में नियर बाय पहुँचा देगी। और अभी मैं ये उगला भुट्टा खा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सही स्नैक लगा मुझे अभी पेट भरने के लिए, जिसमें कि मतलब तेल पानी भी नहीं है और फ्राइड भी नहीं है, उबली हुई चीज़ है, तो बढ़िया रहेगा। तो ये खाता हूँ फिर बस पकड़ के समीर पैट पहुँचते हैं। यहाँ से समीर पैट जाना है, समीर पैट में वो टेरिटरी है, प्रिसीजन टेरिटरी, यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन होना है, तो वहाँ मैं समीर पैट पहुँचने की सोच रहा हूँ आज। तो ये खा के और फ्रेश हो के फिर मैं समीर पैट पहुँचता हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ की स्टेट बसें हैं जो आपको सस्ते दामों में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगी। मैं अभी बैठ गया हूँ इसमें, मेरे को समीर पैट जाना है क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर मैंने आपको बताया था है, और ये 211 नंबर बस बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर अपने को मिल रही है, रेलवे स्टेशन के बाहर, तो ये अपने को वहाँ पहुँचा देंगे समीर पैट। तो कुछ बस स्टैंड है यहाँ पे, पुरानी दिल्ली स्टाइल, नई दिल्ली स्टाइल, और अपना हज़रत निज़ामुद्दीन स्टाइल। वैसे ठीक भी है अगर आपको किसी एरिया को अच्छे से समझना हो ना, और अगर वहाँ पे लोकल बसें अवेलेबल है तो आपको उनमें यात्रा करनी चाहिए, उससे आपको एक तो वहाँ के रोड का पता चल जाता है, रूट का पता चल जाता है, सस्ते में सफ़र हो जाता है, और वहाँ का जो एटमोसफेयर है ना उसका लोकल बसों लोकल ट्रेनों से बेस्ट किसी और चीज़ में पता नहीं चलता। वैसे यहाँ पे मेट्रो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट अभी उसका रूट अपने को पता नहीं, जगह का ही नाम नहीं पता अपने को, तो अभी अपने लिए बसें ठीक है। तो अभी अपने साथ दो सीन हुए हैं, एक बढ़िया, एक काफ़ी बढ़िया और एक थोड़ा सा बेकार। तो पहले बेकार वाला बता देता हूँ। बेकार ये हुआ कि मैं जहाँ पे आया था, जहाँ मेरा कल इवेंट है हीरो डर्ट बाइक का, तो वो थोड़ी सुनसान जगह है, तो यहाँ पे कोई रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है। अच्छा ही हो गया, ऑन द वे मुझे कॉल आ गया कि जो इवेंट है उसमें जो मेरा पार्टिसिपेशन है उसका टाइम स्लॉट चेंज हो गया, दोपहर 2 बजे का हो गया। तो अभी मैं फिर से बस पकड़ के वापस जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि रूम्स वगैरह वहीं अवेलेबल हैं, ऑन द वे भी हैं, बट मुझे पता नहीं है उस बारे में। तो रेलवे स्टेशन के पास तो आई एम श्योर कि सब कुछ मिल ही जाएगा, मैंने चेक भी किया था आने से पहले, तो मैं अभी वापस वहीं जा रहा हूँ। यह कि 1 घंटे के आसपास फिर से मुझे बस में बैठ के जाना पड़ेगा, और ये कि एक बार जगह देख ली कैसी है, यहाँ पे कल आना है, और 2 बजे का इवेंट है तो सुबह उठने की जल्दी है नहीं, फिर से बस में बैठ के आराम से आ जाएंगे, तो ये सही हो गया अपने को। तो ये अपने पीछे बस स्टैंड है यहाँ का, तो इस पर वेट कर रहा हूँ मैं अब बस की, और जैसे ही बस आती है तो वापस जाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने होटल ले लिया हैदराबाद में, और ये रेलवे स्टेशन के पास ही था, और यहाँ से सुबह बस भी मिल जाएगी, और अपने को अपनी रेंज में मिल गया, मेनली 600 रुपये में यहाँ मिल गया। ये booking.com पे थोड़े सस्ते और भी दिखा रहा था मेरे को, बट मैंने इसलिए बुक नहीं करा यार, फिर वो लोकेशन पे पहुँचो तो उनके और ही नखरे हो जाते हैं, तो अब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ।
मैं सीधा फेस टू फेस जाके जो भी बार्गेनिंग करनी होती है कर लेता हूँ, सो दैट बाद में कोई टेंशन ही ना रहे। तो ये एक दो बार मेरे साथ पहले हुआ है। ओयो और बुकिंग डॉट कॉम पर जाओ तो ऑनलाइन काफ़ी सस्ता रूम मिल जाता है, फिर जब आप पहुँचते हो तो उनके अलग नखरे शुरू हो जाते हैं कि इतना पैसा कट जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उससे बढ़िया फेस टू फेस जाके ही उनसे जो भी बार्गेनिंग करनी है कर लो, सो दैट बाद में कोई झंझट ही ना रहे। तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे, तो बढ़िया है, ठीक है मेरे लिए तो इना जितना मैं थका हुआ था। तो ये देखो ये पैंट उतार दिया, अभी मैं कच्चे में हूँ। तो जितना मेरे को चाहिए स्पेस उतना इनफ है, और जितना मैं थका हुआ था उस हिसाब से मेरे पास और हिम्मत नहीं थी कहीं और एक्सप्लोर करने की। तो इसने जो है होटल वाले ने, मैंने 500 रुपये का अपना बजट, तो इसने लास्ट 600 रुपये में मान गया। मैं कहा ठीक है यार, अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। कल मैं निकलूँगा यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बजे का टाइम होगा, तो आराम से सो के उठूँगा रेस्ट करके, और फिर 2 बजे से पहले पहले अपने को पहुँचना है प्रिसीजन टेरिटरी करके, यहाँ पे एक जगह है तो वहाँ पे जाना है, शामीर पेट एरिया है जहाँ पे मैं आज होके भी आया हूँ। तो सब कुछ वहाँ पे कैसे होगा क्या होगा पूरा इवेंट आपको दिखाऊंगा, मेरी क्या परफॉर्मेंस होगी वो ट्राई करूँगा अगर कोई और वहाँ पे वीडियो बनाने वाला होगा। बट ये ऑन द ट्रैक होना है, तो इतना छोटा एरिया नहीं होगा कि दूर से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बट मैं अपना गोप्रो लाया हूँ, तो वो हेलमेट पर लगा के कैसे कैसे मैं उस एरिया से निकलूँगा, वो ट्रैक कैसा होगा वो आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, नए चैनल पे पसंद आया अगर व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कोई आपके विचार हो तो कमेंट करिएगा नीचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।